Okay, first of all, welcome all of you in science stream. Okay, आप लोगों ने साइंस चूज किया है अपने विश से, तो हियर आई एम योर केमिस्ट्री टीचर. ओके, तो एक चीज जो मैं आपको पहले मेंटली प्रिपेयर कर दूं बिफोर आई विल स्टार्ट माय लेक्चर. ठीक है, देखो, अब तुमने अपने विश से साइंस लिया है, इट मीन्स कि आपका साइंस में इंटरेस्ट है. ठीक है, आप साइंस पढ़ना चाहते हैं. अब ऐसा मत करना कि साइंस ले लिया है बट हम साइंस, तुम्हारा जो सिंसियरिटी है, तुम्हारा डेडिकेशन है इस सब्जेक्ट के लिए, वो आगे कम नहीं होना चाहिए. जिस जील के साथ, जिस भी आप, जो भी आपका मकसद है, जो भी आपका एम है, जो भी आपका पर्पस है अपनी लाइफ में, जो भी आपने सोचकर ये सब्जेक्ट लिया है, वो जो जील है ना आपके अंदर उस चीज को वो चीज बनने की, अपने आप को, खुद को आपको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, वट एवर, आपको खुद को साइंटिस्ट बनाना है. ओके, तो वो आपका अपना एक जो भी एम रहा है ये सब्जेक्ट चूज करने के पीछे, तो वो जो जील है वो कम नहीं होनी चाहिए जब तक आप साइंस पढ़ रहे हो. ठीक है, तो टेंथ तक क्या होता है कि आपको पढ़ना पड़ता है. ठीक है, साइंस चाहे आपका इंटरेस्ट हो या ना हो उस सब्जेक्ट में. ठीक है, तो कईयों को वो बर्डन लगता है, लाइक मे बी सबका इंटरेस्ट सेम नहीं होता, कईयों को कुछ अच्छा लगता है, कईयों को और सब्जेक्ट अच्छा लगता है. बट यहाँ पर अब आपने अपनी मर्जी से साइंस लिया है, तो ये अपने दिमाग में बात डाल लेना कि हमको ये सब्जेक्ट अब पढ़ना है, क्योंकि ये हमने खुद चूज किया है. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर इज योर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, इस चैप्टर में हालांकि हम आपको बता दें, जो एनसीईआरटी अगर आपके पास अवेलेबल है तो अच्छी है, अच्छा बात है, वेल एंड गुड. अगर नहीं अवेलेबल है तो आप लोग क्या करेंगे, आप ऑनलाइन ईएनसीईआरटी साइट से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए. जैसे कि मैंने भी पीडीएफ ही है मेरे पास, मैं पीडीएफ से ही पढ़ाती हूँ अभी. ठीक है, और अभी मैं आपको बता दूंगी क्या क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसका एक मैं पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दूंगी, क्योंकि अभी आपको पता है सीबीएसई ने कुछ साइज सिलेबस रिड्यूस कर दिया है ड्यू टू दिस पैंडेमिक, क्योंकि सेशन थोड़ा डिले हो गया है ना. अदरवाइज कहाँ हम लोग अप्रैल में स्टार्ट कर देते थे सेशन, अभी कहाँ जुलाई में हो रहा है. बट दैट डजंट मैटर, अभी भी जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम लोग बड़ी ईजिली सिलेबस कवर करेंगे और रिवाइज भी करेंगे बहुत अच्छे से, तो डोंट नीड टू वरी. एंड सेकेंड थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू, क्या बताना चाहती थी, ध्यान में नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं. सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से हम शुरुआत करते हैं अपनी 11th केमिस्ट्री की. ठीक है, क्लियर. तो पहला जो चैप्टर है वो आपको केमिस्ट्री के एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताएगा. जो भी मैंने पेज ओपन किया हुआ है ये आपको ये बताता है कि जो स्टडी है केमिकल्स की, ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ही पहले हुई है. हालांकि आपने देखा होगा जितने भी थ्योरीज हैं उन पर नाम ज्यादातर वेस्टर्न लोगों के ही है ना, जॉन डाल्टन है, रदरफोर्ड है, नील बोर था, वो देयर सो मेनी थ्योरीज ऑन एटम्स. ठीक है, तो उन सब पे जो पेटेंट हुई है वो सब किसी फॉरेनर के नाम पर ही, आपको इंडियन का नाम बहुत कम दिखेगा. बट ऐसा नहीं था कि इंडियंस ने कभी रिसर्च नहीं करी है या फिर हमारे अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि हम रिसर्च कर सकें. ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट चैप्टर आपको ये फील कराने के लिए है कि आप जिस कंट्री में पैदा हुए हैं वो कंट्री, उस कंट्री में इन सब चीजों के बारे में बहुत पहले ही सब लोगों को पता था. ठीक है, लाइक जैसे सुश्रुत के टाइम पर, सुश्रुत संहिता आपने सुना होगा उनके नाम पर, एक संहिता है जो शायद मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करती है. तो उन टाइम पर भी, बहुत समय पहले भी लोगों को केमिकल्स की नॉलेज थी, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता था, ये पता था कि मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम कुछ एक नाम आपको बताने वाले हैं जस्ट फॉर नॉलेज. ओके, मे बी एग्जाम में नहीं आते, जनरली हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट ये इसलिए है कि आपके अंदर, मतलब आपको कभी ऐसा ना लगे कि आप रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में जब बहुत पहले, बहुत साल पहले रिसर्च हो सकती है तो आज क्यों नहीं हो सकती. ठीक है, तो अब हम आपको बता देते हैं कि इंडियन केमिस्ट्री, एंशियंट इंडिया में जो केमिस्ट्री हमारे कई नामों से थी, जैसे रसायन शास्त्र बोलते हैं या रास तंत्र बोला गया है, रास क्रिया, रास विद्या. ठीक है, बेसिकली केमिकल मींस इन हिंदी रसायन, या संस्कृत में जो था रसायन कहा जाता था, तो उसके नाम से ही ये सब्जेक्ट को अलग अलग नाम दिए गए. ठीक है,
तो उस टाइम लोगों को काफी कॉस्मेटिक्स के बारे में, ग्लास डाइस ये सब कुछ है, इन सब के बारे में पता था। अब देखो केमिस्ट्री जो है ना वो हमारे चारों तरफ है, ठीक है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसमें केमिस्ट्री ना हो, ठीक है। आप पानी पीते हैं ना, वो भी केमिस्ट्री है। क्या केमिस्ट्री आपको पता है? मॉलिक्यूल क्या है? H2O, ठीक है, H2O, दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, ओके। सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। लिक्विड स्टेट में मैटर जो है, हर कोई मैटर है, वो किसी ना किसी एटम से बने हैं। और जो एटम की स्टडी है, एलिमेंट्स की स्टडी है, कंपाउंड्स की स्टडी है, वो सब हम केमिस्ट्री में करते हैं। तो आप चारों तरफ से केमिस्ट्री से घिरे हुए हो इस टाइम, ओके, क्लियर। तो मोहनजोदड़ो आपने सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा अपने हिस्ट्री बुक में, ठीक है। तो वहां पर जो उस टाइम भी जो कंस्ट्रक्शन होती थी वहां पर जिप्सम का यूज किया जाता था, है ना। अगर आप भूले ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं, जिप्सम क्या था, है ना, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू एच टू ओ, है ना। 10th क्लास में हमने किया था, जिससे हमने ये देखा था कि कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाया जाता है, ठीक है ना। वो आपने जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर योर सेकेंड, उसमें हमने जिप्सम के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा, ओके। और वहां पर देखा गया लाइम, सैंड, ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो मतलब उस टाइम लोगों को क्या था, ऑब्वियसली ये चीजें यूज में कैसी आई, उन्हें पता था ना ये केमिकल है, इसकी प्रॉपर्टीज है। जिप्सम का पता था कि हाँ ये हार्ड मास बना देता है एकदम, तभी एज अ जिप्सम को एज अ सीमेंट यूज करने लगे, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पर भी बहुत कुछ जैसे ज्वेलरी वगैरह देखी गई है, ठीक है, ऑर्नामेंट्स बेसिकली। ऑब्वियसली ऑर्नामेंट्स कैसे, खुद ब खुद तो नहीं बने होंगे ना, लोगों ने ही बनाए होंगे, तो कैसे उन्होंने अर्थ से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया होगा, है ना, उनको वो सारा। अब मेटलर्जी जो हम पढ़ते हैं जिसमें मेटल की एक्सट्रैक्शन देखी जाती है, कैसे मेटल एक्सट्रैक्ट की जाती है जमीन से, तो वो जो प्रोसेस है वो इतना सिंपल नहीं है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और कई स्टेप्स उस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। तो मतलब उस टाइम पर भी लोगों को उन सब चीज़ों की नॉलेज थी, ठीक है, ओके। नाउ इस चैप्टर में एक दो चीज़ मैंने बतानी है। हाँ, आपने कॉपर के बारे में भी सुना होगा कि जो कॉपर की जो डिस्कवरी हुई थी एट दैट टाइम, तो काफ़ी चीज़ें जैसे कॉइन्स वगैरह कॉपर के यूज़ किए जाते थे, है ना। चैल्कोलिथिक एज जिसे बोला जाता है जनरली, तो ऋग्वेदा में भी इवन टैनिंग ऑफ लेदर और डाइंग ऑफ कॉटन के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। कि अब देखो टैनिंग ऑफ लेदर जो है वो भी केमिकल्स पर बेस है, और ये जो डाई यूज होते हैं किसी भी फैब्रिक को डाई करने के लिए, जो भी हम केमिकल यूज, वो केमिकल ही है, ठीक है। अगर वो लोग कपड़े को डाई कर रहे हैं तो इट मीन्स मतलब दे नो समथिंग अबाउट केमिकल्स, है ना, ओके। अब जो कोटिल्या का अर्थशास्त्र था उसमें ये बताया गया है कि कैसे समुद्र से सॉल्ट की प्रोडक्शन की जाती है ना। सॉल्ट जो है बेसिकली हम सी से एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं ना, कैसे निकाला जाता है, तो वो कोटिल्या के अर्थशास्त्र में भी मेंशन था, ठीक है। तो ये हमें प्राउड फील कराएगा, ये चैप्टर आपको प्राउड फील कराएगा कि आप ऐसी कंट्री में पैदा हुए हैं जहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में बहुत पहले से पता था, ठीक है। अब देखो शिष्य संहिता ने एल्कलीज की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की है। एल्कलीज, इफ यू रिमेंबर व्हाट आर एल्कलीज, एल्कलीज क्या होते हैं? सोल्यूबल बेस। बेस तो आपको पता है, बेस तो कोई भी होगा जो जिसका पीएच 7 से अबव रहता है वो बेस है, ठीक है। बट सभी बेस पानी में सोल्यूबल नहीं होते, जो बेस पानी में सोल्यूबल होंगे वही एल्कलीज कहलाएंगे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये जो रसोपनिषद है उन्होंने गन पाउडर के बारे में बताया गया। गन पाउडर जो जनरली क्या बोलते हैं उसे, यस, बॉम वगैरह बनाने में यूज होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद फायरवर्क्स का भी बता रखा है कि सल्फर, चारकोल और सॉल्ट पीटर यूज किए जाते हैं। सॉल्ट पीटर जो है वो कॉमन नेम है पोटेशियम नाइट्रेट है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। या आपको फर्दर भी कभी हो सकता है पूछा जा सके, ठीक है। तो फायरवर्क्स उस टाइम भी यूज होते थे, ठीक है। और जो रास रत्नाकार उनमें जो नागार्जुन ने डिस्क्राइब किया था मेटल की एक्सट्रैक्शन के बारे में, गोल्ड, सिल्वर, जैसे ये इंपॉर्टेंट टिन एंड कॉपर, ठीक है, ओके। अब एक और जो बुक आई थी सार नवम, उसमें बताया गया था कि जो हम मेटल को उनके फ्लेम कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। ये हमने 10th में देखा था कि जैसे पोटेशियम वायलेट समथिंग कलरेशन देती है अगर आप उसे फ्लेम पे एक्सपोज करो, सोडियम जो है आपका वो येलो कलर शो करता है, और लिथियम जो है आपका वो क्रिम्सन रेड कलर शो करेगा। तो मतलब वी कैन आइडेंटिफाई मेटल्स विद द हेल्प ऑफ फ्लेम टेस्ट, ठीक है। तो ये सब
आई एम सॉरी आई कुडंट प्रोनाउंस दिस नेम, रसार्नोव, जो 800 सी के टाइम पर आया था, वहां पर इसके बारे में जिक्र था. ओके उसके बाद चक्रपाणी, चक्रपाणी जो है उन्होंने उनके उनको क्रेडिट जाता है मर्करी सल्फाइड की डिस्कवरी का. ठीक है, इवन जो सोप बनाने का क्रेडिट भी उन्हीं को ही जाता है, चक्रपाणी ने ही सब कुछ किया था. उसके बाद बृहद संहिता आई है, बृहद संहिता. ठीक है, बृहद संहिता ने बताया ग्लूटिनियस मटेरियल के बारे में, जो अक्सर रूफ्स हाउस के और टेम्पल्स वगैरह में वॉल्स पे यूज होते हैं. ठीक है, उसके बाद है, हाँ, अथर्ववेद. अथर्ववेद में बताया गया है कुछ डाई स्टफ के बारे में, लाइक जैसे मैडर, सनफ्लावर, ऑर्पिमेंट. ये जो है ना, ये पीछे वाले जो है लाक, कोचिनियल और ऑर्पिमेंट है, ये सब जो है इंसेक्ट बेस्ड है, इंसेक्ट बेस्ड डाइस है. मतलब ये हमें किसी ना किसी इंसेक्ट से मिलते हैं. ठीक है, कुछ इंसेक्ट ऐसे केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिन्हें हम एज अ डाई यूज कर सकते हैं. ठीक है, डाई तो पता है ना, कपड़ों को कलर करते हैं. ठीक है, वो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर कलर देंगे. उसके बाद बृहद संहिता ने कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है. ठीक है, उस टाइम पर भी बताया गया है कि कैसे कॉस्मेटिक्स जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो हेयर डाई है, चाहे वो आपको स्किन को थोड़ा सा ग्लो लाने के लिए है. ठीक है, और परफ्यूम्स वगैरह जो उस टाइम भी यूज़ होते थे. ठीक है, ओके. उसके बाद जो आपको पता होगा तक्सीला की एग्जीक्यूशन है, उसमें हमने देखा कि जो इंक यूज की गई थी वहां पर लिखने के लिए, ठीक है, वो चौक और रेड लेड से बनाई गई थी. ठीक है, मतलब अब समझ में आ रहा है ना कि कैसे कैसे लोगों को पेपर भी था लोगों के पास 17th century में, इंक भी थी, वो सब कुछ काम करते थे. ठीक है, हालांकि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आया था, बट उन्हें केमिकल्स को उन्होंने यूटिलाइज करते आ रहे हैं बहुत पुराने टाइम से. इंडियन लोग और पुराने लोग, मतलब दूसरे कंट्रीज के भी करते होंगे, बट वी नो अबाउट अवर कंट्री. यहाँ पर बहुत कुछ है, जैसे कि ये वैसे शिखा सूत्रास है, उन्होंने परमाणु, इसमें परमाणु का जिक्र किया गया है कि मैटर जो है वो परमाणु से बनी हुई है. परमाणु मतलब इन इंग्लिश वी कॉल इट एटम्स. ठीक है, जो डॉल्टन ने बोला था वो बात इस सूत्रास में पहले ही, बहुत पहले ही मेंशन हो चुकी थी. और आपने महर्षि कर्णाद के बारे में भी सुना होगा, जिन्होंने इसके बारे में काफी कुछ बोला है कि मेटल जो है परमाणु से बने होते हैं, और जो डिफरेंट मतलब मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनके परमाणु या उनके एटम्स डिफरेंट तरह के होते हैं. लाइक जैसे आयरन है या फिर कॉपर है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट है ना, तो आयरन के एटम जो होंगे वो कॉपर के एटम से डिफरेंट होते हैं. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं तो सबके एटम सेम नहीं होते. ये नहीं है कि जैसा आयरन का एटम होगा वैसा ही कॉपर का एटम होगा. ठीक है, ऐसा नहीं होता है ना, बिकॉज दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर डिफरेंट. ओके, उसके बाद चक्र संहिता. चक्र संहिता में जहाँ पे डिजीज के ट्रीटमेंट के बारे में बात की गई थी, तो इन्होंने ये बात कही है कि हम मेटल का जो एटम है अगर उसके साइज को रिड्यूस करें तो उसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं. लाइक आपने पढ़ा होगा नैनो पार्टिकल्स के बारे में. ठीक है, तो नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, जब पार्टिकल का साइज नैनोमीटर की रेंज में चला जाता है. नैनोमीटर क्या होता है, 10^-9 मीटर. ठीक है, ओके, अगर उस रेंज में पार्टिकल का साइज चला जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज काफ़ी चेंज हो जाती है. जब वो मैक्रो पार्टिकल रहता है ना, मैक्रो से अगर आपने उसे माइक्रो में चेंज कर दिया है तो प्रॉपर्टीज में चेंज देखने को मिलेगा आपको. ठीक है, तो एक भस्मा, मेटल की भस्मा बनाई जाती थी, वो भस्मा जो होती थी वो ही ट्रीटमेंट में यूज होती थी, बिकॉज उस भस्मा में क्या होते थे, उसमें उस मेटल के नैनो पार्टिकल्स होते थे. ठीक है, तो नैनो लेवल पर इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी आ गया, क्योंकि जो किसी भी मटेरियल, किसी भी मैटर के जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनका जो प्रॉपर्टीज होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू जब मैटर जो अपने ओरिजिनल जो उनका साइज होता है एटम का उससे. ठीक है, ओके, उसके बाद ये सब कुछ था हमारा अबाउट द एंशियंट इंडिया. ठीक है, या फिर मिडिवियल इंडिया, एंशियंट इंडिया, वो सब कुछ था. अभी हम इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री की. ये थोड़ा सा थियोरेटिकल है पोर्शन, नेक्स्ट आगे आगे आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होता रहेगा केमिस्ट्री में, डोंट वरी. अब इम्पोर्टेंस ऐसे है कि ये ऐसा टॉपिक है कि मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में मुझे कुछ बोलना भी चाहिए, बिकॉज आई थिंक वी ऑल नो, बट स्टिल इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू, तो आई विल टेल यू. तो आपने पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, मेटल एलॉयज, इनके डिफरेंट यूजेस देखे हैं ना,
देखो सोप ना होते तो तुम नहाते कैसे, है ना, डिटर्जेंट ना होते तो कपड़े कैसे धुले जाते, तो है ना, ऑब्वियसली बात है ना, मेटल ना होती तो कैसे गेट बनते, कैसे ये ट्रेन्स चलती, है ना, तो वी कांट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट केमिस्ट्री, है ना. ओके, एलॉयज, एलॉयज का पता है, मेटल और नॉन मेटल, या फिर कई बार एक मेटल को दूसरी मेटल के साथ मिक्स करके जो कंपाउंड बनाया जाता है, दैट आर एलॉयज, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है. जैसे स्टील एक एलॉय है ना, आयरन कार्बन का, और आई थिंक निकल भी होता है उसमें थोड़ा बहुत, निकल और क्रोमियम में डाउट है, मुझे देख लेना. ओके, अब स्टील की जो प्रॉपर्टी है वो आयरन की जैसे नहीं है ना, आयरन में रस्ट होता है, स्टील में रस्ट नहीं होता है. ओके, क्लियर. ड्रग्स के बारे में पता है, ड्रग्स, अच्छा ड्रग्स जो होते हैं ना, जनरली जो ड्रग्स होते हैं उसका मतलब नेगेटिव मीनिंग मत लेना कि वो वही होते हैं जो जिनसे नशा होता है, लाइक ऐसा नहीं होता. ओके, तो ड्रग्स दो तरह के होते हैं, जिन एक वो जिनसे आपको नशा हो जाता है, जो एडिक्शन क्रिएट करते हैं, और दूसरे वो जिनसे नशा नहीं होता. और मेडिसिन, मेडिसिनल केमिस्ट्री अगर हम की बात करें तो जो जनरली आपकी मेडिसिन है वो ड्रग्स ही हैं, ठीक है, दे आर ड्रग्स, ठीक है, कोई भी मेडिसिन है, बट ज़रूरी नहीं होता कि सभी ड्रग्स जो है आपको एडिक्शन कराएं, मतलब सभी ड्रग्स से आपको एडिक्शन नहीं होता, कुछ एक ड्रग्स से होता है. ओके, पॉलीमर्स के बारे में पता होगा. अब पॉलीमर्स के सबसे बेसिक एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, पॉलीथीन. ओके, पॉलीथीन जो घरों में यूज होता है, ओके, तो ये पॉलीथीन क्या है, पॉलीमर है. इथीन जो होता है, जब बहुत सारे इथीन को मिलाकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया गया, पॉलीमराइज किया गया, तो पॉली का मतलब ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है. ओके, तो हमारा बन गया पॉलीथीन, ठीक है. अब ये जो पॉलीथीन है, इसका आपने देखा होगा, एक तो बहुत चीप है बनाना, है ना, बड़ा सस्ता पड़ता है, ऊपर से इसकी प्रॉपर्टीज भी अच्छी हैं, लाइक एक ही इसमें कमी है कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बाकी अदरवाइज आप इसमें लिक्विड भी कैरी कर सकते हो, और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी है, मतलब छोटा मोटा सामान अगर आपको पॉलीथीन में कैरी करना है तो ईजिली कैरी हो जाता है. ओके, पानी से भी बचा रहता है. ओके, तो इतना ज़्यादा एप्लीकेशन है पॉलीथीन का, और ये इतना ईजिली बन जाता है, सस्ता है काफ़ी, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता पॉलीथीन बनाने में. इवन हम लोग अब खुद को पॉलीथीन फ्री करना चाहते हैं, इस अर्थ को पॉलीथीन फ्री करना चाहते हैं, बट वी आर नॉट एबल, है ना. अभी भी आप देखना, बहुत सी जगह पर पॉलीथीन यूज़ हो रहा है, इवन मैक्सिमम, बहुत सी क्या, मैक्सिमम जगह पर पॉलीथीन यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है. अगर आप बोलो कि जूट के बैग यूज़ कर लो, पहली बात तो ये कि जूट के बैग जो होते हैं पॉलीथीन के कंपैरेटिवली थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है, आई एम टेलिंग यू. तो और दूसरी बात ये होती है कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि आप पॉलीथीन में बड़ी इजीली कैरी कर सकते हो, जैसे लिक्विड कंटेंट मैंने बताया, ठीक है. अब जूट के बैग में तो पोर्स होते हैं, उसमें तो आप लिक्विड कंटेंट को कैरी नहीं कर पाओगे, है ना. तो ये सब जो है वो इतने एडवांटेज होने की वजह से पॉलीथीन ने मतलब चारों तरफ अपने पैर फैला लिए हैं, और अब इसको हमें मतलब हमें ऐसे कोई अल्टरनेटिव बनाना होगा आज नहीं तो कल, कि जो पॉलीथीन की जगह, मतलब पॉलीथीन की जैसा हो बट वो बायोडिग्रेडेबल हो, जिससे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन ना हो, ठीक है. ओके, और अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस के बारे में, तो आपने देखा होगा जो फार्मर्स हैं आजकल क्या करते हैं, फील्ड में फर्टिलाइजर्स, ये सब कुछ, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सब कुछ स्प्रे करते हैं ना. अब फर्टिलाइजर जो है सॉइल की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है, वेराज जो इंसेक्टिसाइड्स, सॉरी पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स हैं, वो क्या करते हैं, क्रॉप्स को इंसेक्ट से बचाते हैं, किसी बीमारी से बचाते हैं, ठीक है. और अगर ये सब चीज़ें हैं क्योंकि केमिस्ट्री की वजह से, है ना. अब अगर ऐसा नहीं है कि कहीं पर मतलब बीमारी लग गई और पूरी फसल खराब हो गई है और जो फार्मर है वो हेल्पलेस हो गया है, ऐसा नहीं है. केमिस्ट्री ने ऐसे सब्सटेंस, ऐसे केमिकल बनाए हैं कि हम उनका, उससे क्या होगा कि किसी के क्रॉप खराब ना हो, ठीक है. ओके, ताकि कोई ऑब्वियसली अर्निंग रहे, ऐसा ना हो कोई अनएम्प्लॉयमेंट फेस ना करे. ओके, उसके बाद ये है मेडिसिनल की बात करूँ अगर मैं, मेडिसिनल इम्पोर्टेंस जो मैंने अभी आपको बताया, एंटासिड्स यूज होते हैं. एक हमने 10th क्लास में पढ़ा था एंटासिड्स के बारे में, है ना. एंटासिड्स क्या होते हैं, अगर आपको एसिडिटी हो जाती है तो हम बेसिक सब्सटेंस ले लेते हैं, बेसिक सब्सटेंस जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा. ओके, ये सब क्या होते हैं, बेसिक सब्सटेंस हैं. अगर हम इन्हें कंज्यूम करते हैं तो जो स्टमक में एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो रखा था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से अब जो एक्सेस एसिड की वजह से इरिटेशन या पेन या जो भी गैस बाउल मूवमेंट हो रही थी उससे रिलीफ मिलता है, ठीक है. ओके,
अब दो केमिकल इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस आई विल टेल यू, सिसप्लैटिन एंड टेक्सोल. ठीक है, सिसप्लैटिन एंड टेक्सोल जो है ये ड्रग्स हैं जो केमिस्ट ने ही बनाए हैं एंड ये कैंसर थेरेपी में बहुत इफेक्टिव है. ठीक है, ओके. इवन जो एज आयोडोथायमिडीन जो ड्रग है AZT, ये एड्स पेशेंट को की हेल्प मतलब कि ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है. ठीक है, तो इवन जो भी अगर मेडिसिन बनता है ना किसी भी बीमारी का, तो होता क्या है कि बनाता तो उसे केमिस्ट है, जो केमिकल सब्सटेंस से बनाएगा तो केमिस्ट, उसकी जो मेडिकल यूटिलिटी है एप्लीकेशन है उसको चेक करते हैं हॉस्पिटल में जो भी कोई रिसर्च रहते हैं, लैब्स रहती हैं, तो वहाँ पर रिसर्च किया जाता है कि क्या वेदर इसकी कोई कोई किसी बीमारी के ट्रीटमेंट में ये सब्सटेंस हेल्पफुल हो सकता है नहीं हो सकता. तो आप समझ सकते हैं कि कैंसर और एड्स जैसी बीमारियाँ हैं, कोई भी बीमारी अगर आज कोरोना भी फैला है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस ही आएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है. उसके बाद देखिए, हाँ, अब पॉलीमर्स का एक और एग्जांपल देती हूँ. आपने पॉलिएस्टर आजकल होते हैं, जैसे अम्ब्रेला में कपड़े भी आने लगे हैं ना, पॉलिएस्टर आपने देखा होगा, वो बड़े सस्ते होते हैं बट दे आर नॉट कंफर्टेबल टू वियर, है ना, क्योंकि वो क्या होते हैं कि जो जनरली पॉलीमर है वो सिंथेटिक कंपाउंड है, नेचुरल कंपाउंड तो नहीं है. तो ये अक्सर कुछ एक पॉलीमर्स जैसे होते हैं वो पानी वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते. ठीक है, अब किसी को स्वेटिंग हो रही है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है वो उस कपड़े में कंफर्टेबल फील नहीं करेगा. ठीक है, बट सस्ते होते हैं इसलिए काफी लोग यूज करते हैं. ओके, उसके बाद हाँ, आपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में पढ़ा होगा, तो जो कि ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज ऑल्सो केमिकल कंपाउंड. ठीक है, तो जो AC और रेफ्रिजरेटर में हमारा ये अक्सर यूज होता है. आजकल तो होने लगा है कि जो एयर कंडीशनर है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज किया जाए सो दैट कि ओजोन का जो डिप्लीशन है वो उतना ज्यादा ना हो. ओके, अब इसके मेरे ख्याल से आप बाकी आप सब जानते हो कि एनवायरनमेंट में अगर मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब गैसेस क्या, ये भी सब केमिकल कंपाउंड है. ओके, मॉलिक्यूल है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है ना, एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो ऑब्वियसली उसके साइड इफेक्ट्स रहेंगे, है ना. अगर विद इन लिमिट कार्बन डाइऑक्साइड रहती है तो उससे कोई इतना साइड इफेक्ट नहीं रहता, क्योंकि प्लांट्स को भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाना होता है. तो हमें ये सब चीज़ों की स्टडी कर रखी थी तभी हमें पता है कि कौन सी चीज़ से क्या कितना पॉल्यूशन हो रहा है, कैसे उसको रिड्यूस करना है. तो केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस पे तो ना आई थिंक तुम 3-4 पेज लिख सकते हो. ओके, आई थिंक इट इज़ जितना मैंने बताया काफ़ी इनफ है इम्पोर्टेंस के लिए. अभी हम जो नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक है हम उसकी तरफ मूव करते हैं. अच्छा, ये बता दूँ, सॉरी, आई विल टेल यू कि ये जो नेचर ऑफ मैटर वाला टॉपिक है 1.2, इट इज़ नाउ नॉट इन योर सिलेबस, सो इसलिए मैंने इस पर बड़ा सा क्रॉस कर दिया है क्योंकि ये अब आपके सिलेबस में नहीं है. तो इस पर बड़ा सा क्रॉस कर लीजिए, आपको कोई स्टेट्स ऑफ मैटर अभी नहीं पढ़नी है. आप वैसे भी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं तो इसको दोबारा पढ़ाने का कोई लॉजिक भी नहीं बनता. ओके, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ये सब नहीं है. ठीक है, ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कहाँ गया, यस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट. ठीक है, तो हमें मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि मैटर की क्या प्रॉपर्टी होती है और उनकी मेजरमेंट कैसे करते हैं. तो प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना. फिजिकल में हम जनरली देखते हैं कि कलर क्या है, अडर मतलब क्या स्मेल, कैसी स्मेल आती है. ओके, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, हार्ड है या लिक्विड है ना, ये सब उसकी किसी भी मैटर की केमिकल सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज के पॉइंट्स हैं. अगर बात करूँ केमिकल प्रॉपर्टीज की तो हम जनरली देखते हैं उसकी रिएक्शंस कराएंगे किसी ना किसी चीज़ से, लाइक इधर आप कंबशन कराओ, है ना, उसकी कंपोजिशन चेक करो, है ना, पानी से रिएक्टिविटी, एसिड के साथ रिएक्टिविटी, वो सब क्या होती है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है, तो बात आ रही है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप कैसे मेजर करोगे. ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक आपको मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का दिखा देती हूँ सिस्टम, ये सब कुछ नहीं पढ़ने. अच्छा, ये SI यूनिट्स आपने बता दूँ, SI यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है, ये जो है एक फ्रेंच बेस्ड हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी कोई भी जो क्वांटिटी है, कोई भी
फिजिकल क्वांटिटी है उसकी जो यूनिट्स है वो डिसाइड करता है, ठीक है। और वो इंटरनेशनल सिस्टम में तो समझ रहे हैं ना कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में वो यूनिट एक्सेप्ट की गई है, ठीक है। ऐसे जैसे देखो लेंथ है, उसको मेजर करने के कई तरीके हैं, या तो मीटर में कर लो, सेंटीमीटर में कर लो, किलोमीटर में कर लो, डेसीमीटर में कर लो, है ना, मिलीमीटर में कर लो। बट इंटरनेशनली जो यूनिट एक्सेप्टेड है वो कौन सी है, वो मीटर है। तो हम बोलते हैं कि मीटर जो है वो लेंथ की या फिर हाँ लेंथ की या डिस्टेंस की जो भी बोल दो वो एसआई यूनिट है, ठीक है। ओके, तो एसआई क्या है, लैस सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ये एक फ्रेंच वर्ड है क्योंकि फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन था, है था नहीं है, तो उन्होंने जिन्होंने रखना शुरू किया था। ओके, अभी जो टेबल ही देखना है हमारा जो पर्पस है, आई एम टेलिंग यू द बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ है एल, इसका सिंबल है, सिंबल डिफरेंट है और एसआई यूनिट डिफरेंट होती है, पता होगा, ठीक है। मीटर इसकी एसआई यूनिट है और मीटर को कैसे लिखते हैं, स्मॉल एम से। सिमिलरली मास, मास का सिंबल है स्मॉल एम एंड इसकी जो एसआई यूनिट है दैट इज किलोग्राम और लिखना है केजी, स्मॉल के एंड स्मॉल जी, ठीक है। ये भी चेक करते रहा करो, कैपिटल नहीं करना, जो स्मॉल है एक्सेप्टेड उसको स्मॉल के लिखिएगा। नाउ टाइम का है स्मॉल टी, है ना, सिंबल, और सेकंड इसकी एसआई यूनिट है और सेकंड को भी स्मॉल लेटर में रखना है, स्मॉल एस। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक करंट आई, यूनिट है एम्पियर, कैपिटल ए। सिमिलरली थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जो टेम्परेचर हम मेजरमेंट करते हैं, हालांकि वो ऐसे न्यूमेरिकल्स में आपको डिग्री सेल्सियस भी दिया होगा, ठीक है, फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर को, बट जो एसआई यूनिट है दैट इज केल्विन, ठीक है। कैपिटल टी इज सिंबल फॉर टेम्परेचर, स्मॉल टी किसका है, टाइम का है, और कैपिटल टी टेम्परेचर का है। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना होता है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। और केल्विन का जो सिंबल है यूनिट का वो है कैपिटल के, ठीक है, कैपिटल के है, स्मॉल के नहीं है। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन, ठीक है, एन मतलब, और इसकी यूनिट जो है वो मोल है, और मोल को हम लिखते हैं एम ओ एल, ई नहीं लगाना, यूनिट में ई नहीं लगाना, सिर्फ एल तक लिखना है, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई वे सिंबल है, हालांकि इसको इतना यूज़ नहीं करते, मतलब मैंने तो हार्डली शायद ही कभी इसका यूज़ देखा होगा। कैंडला इसकी एस आई यूनिट है और सिंबल क्या है, सी डी, ओके, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पर डेफिनेशंस दी गई हैं लेंथ की, किलोग्राम की, सेकेंड की, एम्पियर की, जो एसआई ने बोला है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। अभी ये इतना मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगता, आई विल कम टू द नेक्स्ट वन। ओके, प्रीफिक्स यूज्ड इन द एसआई सिस्टम, ठीक है, तो हियर सम प्रीफिक्स आर गिवन इन दिस टेबल, यू कैन चेक इट। देखो अब ये जो 10 की पावर में दिखाया हुआ है, मैं यहाँ से दिखाते हैं आपको, 10 की रेस टू पावर 24 है। अगर किसी न्यूमेरिकल या किसी भी जो वैल्यू दी है आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, कोई नंबर दिया है, उसमें ये चीज़ इंक्लूड है कि 10^24, मतलब क्या हुआ, ये इसको हमने जो इसके लिए जो हमने प्रेफिक्स यूज़ करना है वो योटा करना है, योटा, वाई सिंबल है, 21 का जेटा, 18 का एक्सा ई, 15 का पेटा पी, और 10^12 का टेरा टी, कैपिटल टी, और 10^9 का गीगा, कैपिटल जी, 6 का मेगा, कैपिटल एम, किलो का 10^3 किलो, कैपिटल स्मॉल के, नॉट कैपिटल के, कैपिटल के इज अ सिंबल फॉर केल्विन, ओके, सो वी कांट यूज इट कैपिटल के, 10^2 हेक्टो, स्मॉल एच, ओके, 10 सिंपल 10 मतलब 10^1, ओके, इट मीन्स डेका डी ए, ओके, नाउ -1 डेसी, can see the difference between deca and deci, deci is 10^-1, deca is 10^+1, okay, 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो मतलब plus 1, okay, 10^-2 centi, है ना, -3 milli, -6 micro, symbol mu, ठीक है, milli का तो small m ही रहेगा, now 10^-9 nano, जो मैं nano particle की बात कर रही हूँ, उनका size 10^-9 order में रहता है, सिंबल एन, 10^-12 पी को, सिंबल स्मॉल पी, 10^-15 फेमटो, स्मॉल एफ, 10^-18 एटो, स्मॉल ए, -21 जेप्टो, स्मॉल जे, देखो वो नीचे जो 21 था ना, +21 था वो जेटा था, और ये जेप्टो है, ठीक है,
और सिमिलरली 10 से पावर माइनस 24 येक तो है, स्मॉल y सिंबल है। अगर 10 से पावर प्लस 24 होता, बताया था नीचे वो येटा था, उसका सिंबल था कैपिटल y, ठीक है। तो ये एक टेबल है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हालांकि देखो मैंने एक ब्लैक कलर से इस एक बॉक्स क्रिएट कर रखा है, ये बॉक्स मैंने इस पर्पज से क्रिएट किया है कि इस बॉक्स के अंदर जो यूज हो रहा है ना 10 से पावर 9 से 10 से पावर माइनस 15, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो न्यूमेरिकल आप देखने सॉल्व करते हो प्लस वन प्लस टू में जो आपको देखने को मिलेंगे जनरली उनमें जो वैल्यू होती है वो इस ऑर्डर में दी होती है, ठीक है। इधर 10 से पावर 9 से लेके 10 से पावर माइनस 15 तक, ठीक है। आगे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट ये थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए मैंने बोला कि ये तो सबको आना ही चाहिए। तो जो बॉक्स में लिखा है ना, ये तो सबको पता होना ही चाहिए। उसमें भी मैंने और अंडरलाइन कर दूं कि 10^3 बहुत यूज होता है किलो, माइनस 1 डेसी बहुत यूज होता है, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 6, माइनस 9 ये ज्यादा यूज होते हैं, ओके क्लियर। अब ये जो इधर राइट हैंड साइड में दिख रहा है ना एनालिटिकल बैलेंस, ये किसी भी सब्सटेंस का वेट मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। ये मतलब पहले काफी यूज होते थे, आजकल इलेक्ट्रिकल बैलेंस लैबोरेटरी लैब्स में आ गए हैं, तो जनरली सब लैब में ज्यादातर इलेक्ट्रिकल बैलेंस ही यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ यूनिट कन्वर्जन की भी बात की गई है। मैं बता दूं आपको कि अगर आपको लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना हो, ऐसे तो ये सब कुछ को आना ही चाहिए क्योंकि आप 11th क्लास में आ गए हो, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये यूनिट कन्वर्जन आपको आता होगा। बट अगर इनकेस फिर भी भूल गए हो तो एक बार यहाँ पर चैप्टर में गिवन है तो ऑब्वियसली हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ओके, एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं और 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ। यहाँ से बहुत सिंपली ये जो चार मैंने लिखे हैं ना नीचे, ये मैंने लिखे हुए हैं, ये आप बिल्कुल बिल्कुल आने चाहिए, आपको याद होना चाहिए, कैसे टिप्स पे लगा लो कैसे भी। तो 1 डेसीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1 लीटर, समझ में आ गया। तो 1 लीटर क्या है, 1 डेसीमीटर क्यूब है। जनरली जो वॉल्यूम होता है वो क्यूबिक हम लेते हैं ना, क्योंकि हम देखते हैं कि उस क्यूब की अगर आपने लेंथ भी 1 डेसीमीटर ली है, ब्रेथ भी 1 डेसीमीटर ली है और हाइट भी 1 डेसीमीटर ली है उस क्यूब की, तो उस क्यूब के अंदर कितना वॉल्यूम होगा, दैट इज 1 लीटर, ठीक है। इसका मतलब ये है, सिमिलरली 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर के। अक्सर बच्चे 1 मीटर क्यूब को 1 लीटर ले लेते हैं, जी नहीं, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर है और 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। नाउ 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है, वो 1 मिलीलीटर के इक्वल है, 1 मिलीलीटर। सिमिलरली 1 जो लीटर है वो 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है, ये तो आपको ऊपर भी देख लिया। तो ये जो चारों चीजें हैं ये आपको बिल्कुल क्लियरली पता होनी चाहिए, ओके। उसके बाद यहाँ पर ये जो कुछ आपके मेजरिंग डिवाइसेस हैं, दिस इज ब्यूरेट, ओके, ये ब्यूरेट है, ये हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज करते हैं। पिपेट से है, ये पिपेट जो होती है ना, ये पार्टिकुलर 25 ml 10 ml की होती है, ऊपर से एक सक्शन रबर जैसा लगा होता है सक्शन करने के लिए, इधर कहीं पहले लोग माउथ से भी सक करते थे बट दैट इज नॉट सेफ, तो उसके ऊपर एक रबर कोक लगा होता है, उससे अगर आप प्रेस करो तो वैक्यूम क्रिएट करना होता है और ये जो सॉल्यूशन है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट मेजरमेंट होती है काफ़ी, मतलब इसमें इससे जो मेजरमेंट अगर 25 ml लिखा है तो मतलब एग्जैक्टली 25 ml के बिल्कुल काफ़ी क्लोज होता है, ठीक है। सिमिलरली जो ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है ये आपको 100 ml 200 ml के भी मिलते हैं, इससे ज़्यादा जो मेजरमेंट एक्यूरेट पिपेट की मानी जाती है, सिलेंडर की मेजरमेंट पिपेट की कंपैरेटिवली उतनी एक्यूरेट नहीं मानी जाती। सिमिलरली वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होती है, ये सॉल्यूशन बनाने के लिए होती है, ठीक है। तो हमारे पास 250 ml की, 500 ml की, 1 लीटर की भी होती है, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन बनाना होता है तो आप क्या करते हैं, इसमें पहले सॉल्ट डालते हैं फिर धीरे धीरे पानी डालते हैं, यहाँ पे एक मार्क गिवन होता है, उस मार्क तक बीच बीच में सॉल्यूशन को शेक भी करते जाना होता है, उस मार्क तक ही पानी डालना होता है, उसे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो उसके बाद जो सॉल्यूशन बनता है वो एग्जैक्टली 1 लीटर होता है और काफ़ी एक्यूरेट होता है, तो इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के मेजरिंग डिवाइसेस लैब में यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ डेंसिटी इज वेरी सिंपल, है ना, लाइक मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है आपका। तो अगर मैं यूनिट की बात करूँ, डेंसिटी की क्या यूनिट होनी चाहिए, तो जो भी टर्म है ना, कोई भी टर्म आपके पास आ रही है, अगर आपको उसकी यूनिट देखनी है ना, तो कोशिश कीजिए जो उसका फॉर्मूला है ना फाइंड आउट करने का, उसको उस फॉर्मूले पे जाइए, उस फॉर्मूले में ही उसकी यूनिट्स हैं, लाइक मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास की क्या यूनिट होती है जी, किलोग्राम, है ना,
और वॉल्यूम की क्या होती है, SI यूनिट की बात कर रही हूँ, SI यूनिट वॉल्यूम की क्या है, मीटर क्यूब है, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर क्यूब, तो मतलब डेंसिटी की क्या यूनिट हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये माइनस थ्री पता है ना कैसे आया, ये नीचे प्लस थ्री था, जब ऊपर लेके जाते तो माइनस हो जाती है पावर, ठीक है। बट जनरली जो होता है अक्सर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी देखने को मिलता है, एसआई तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही रहेगी, बट न्यूमेरिकल्स में आपको डेंसिटी जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में भी मिल सकती है। अब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कहें या फिर ग्राम पर एमएल कहें, एक ही बात है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ एक सेंटीमीटर क्यूब एक एमएल के इक्वल होता है, ठीक है, ओके। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। अब देखो टेम्परेचर का कैसे करते हैं, टेम्परेचर मैंने बताई थी आपको, केल्विन तो जो है ना वो तो आपकी एसआई यूनिट है, वेयर एज जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है वो भी अदर यूनिट्स हैं जिससे आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों दिखा देती हूँ। देखो ये जो फर्स्ट ग्रीन बॉक्स है ये बताता है कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करना है, मतलब आपको कोई वैल्यू दी है डिग्री सेल्सियस में और मैं पूछूं कि लाइक 25 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा, है ना। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, 9/5 ब्रैकेट में क्या डाला है वो वैल्यू डिग्री सेल्सियस की जिसे आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, प्लस 32 करना है। अब इसका एक एग्जांपल दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो, वेट, ये देखो मैंने बोला कि 25 डिग्री सेल्सियस को मैंने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या किया, 9/5 × 25 प्लस क्या करना है 32, तो वैल्यू देखो 5 5 = 25, है ना, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 9 5 = 45 प्लस 32 विल बी इक्वल टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो हमने ऐसे पता कर लिया कि 25 डिग्री सेल्सियस 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए बिल्कुल, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, द फर्स्ट बॉक्स विल टेल यू, ओके। नाउ द सेकंड बॉक्स विल टेल यू हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, कैपिटल के इज अ सिंबल फॉर केल्विन, ठीक है, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ओके। तो जो भी वैल्यू है ना डिग्री सेल्सियस की उसमें आप ऐड कर दीजिए, सिंपली क्या ऐड करोगे, 273.15, ये वैल्यू अगर आप ऐड कर देते हैं डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू में तो आपके पास जो न्यू वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू दैट विल बी केल्विन, ठीक है। अगर मैं बोलूं 5 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के इक्वल होगा, तो यू विल पुट हियर 5 + 273.15 कितना हो गया 278.15, ठीक है। तो बड़ा इजी है केल्विन और सेल्सियस को, तो बड़ा इजी है, इसका थोड़ा फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। उसके जो नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।